जनपद में जहां एक तरफ जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के अभियान चला रहे हैं, वहीं दरियाबाद क्षेत्र के वन विभाग द्वारा हरियाली को नष्ट करवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मामला दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कुसफर गांव में एक बाग में प्रतिबंधित जामुन के हरे भरे पेड़ों का है, जहां हरियाली के दुश्मन वन माफिया लकड़कट्टे द्वारा गुरुवार 3 दिसंबर 2020 को काट कर गिरा दिया गया। अवैध कटान के इस मामले में सबसे खास बात यह रही कि बड़ी सफाई के साथ पुलिस व वन विभाग के कर्मचारी के द्वारा प्रतिबंधित जामुन के पेड़ को झूठ की कठा जामुन दिखाकर लकड़कट्टे को अभयदान दे दिया गया। ऐसे मामलों में वन विभाग अधिकारी व पुलिस के द्वारा इन वन माफियाओं पर ठोस कार्रवाई न होने से वन माफिया लगातार हरियाली को नष्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और फलदार वृक्षों की कटान जोरों पर है। वन विभाग व पुलिस की मिली भगत से हरे पेड़ों पर धड़ल्ले से आरा चलाया जा रहा है, जिसकी रोकथाम होना ढाक का 3 पात साबित हो रहा है। ऐसे मामलों में जब तक वन विभाग व पुलिस सख्ती से इन वन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करता, तब तक हरियाली को नष्ट होने से बचाया जाना असंभव है।